नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं GBN24। जमशेदपुर से खबर आ रही है जहाँ 3 दिनों की बारिश आफत की बारिश साबित हुई। जहाँ शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया तो वहीं कई जगहों पर 300 से अधिक घरों में पानी घुस जाने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं बारिश के कारण जमशेदपुर की खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया। दोनों ही नदियां उफान पर है। दोनों नदियों में पानी बढ़ने से नदी किनारे के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कदमा के शास्त्री नगर में 300 से अधिक घरों में पानी घुस गया है। वहीं बता दें कि जिला प्रशासन ने इन दोनों नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है ताकि किसी की जान माल की क्षति ना हो सके। जिला प्रशासन पूरी तरह दोनों नदियों के जल स्तर पर पल पर जायजा ले रहे हैं ताकि पानी बढ़ने से लोगों को कोई परेशानी ना हो, पीड़ित इलाकों में किसी को नुकसान ना हो। वहीं कदमा, शास्त्री नगर, रामनगर, बगबेड़ा, चुग सलाई, मानगो के कुछ इलाकों में पानी घरों में घुसा है। जो लो लाइन एरिया है सोनरेखा और खरकई की, जो उसमें जो लोग भी बसे हुए हैं उनकी हम लोग जो है सारी तरह से, चाहे वो सामुदायिक भवन में रहने की व्यवस्था हो, चाहे चूड़ा गुड़ देने की व्यवस्था हो, तमाम वो सुविधाएं हम लोग हर साल की तरह इस साल भी मुहैया कराए। लेकिन इस साल का बाढ़ थोड़ा काफ़ी उफान पर है और काफ़ी पानी जो है काफ़ी ऊपर तक फैल गया है, जिससे हमारे करीब 200-300 घर डूब गए हैं। उन घरों के जितने भी लोग रहने वाले हैं सभी को हम लोग जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए। अब हम लोग जो है जैसे ही पानी डाउन होगा उसमें हम लोग उनके जो पुनः व्यवस्था करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगे, साफ़ सफाई हम लोग तत्काल करेंगे। तो इन तमाम जो बाढ़ की स्थिति खराब हुई है उस पर हम लोग कंट्रोल करने की स्थिति में हैं और बहुत हद तक कंट्रोल कर भी लिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके की और भी स्थिति भयावह ना हो, चाहे वो साफ सफाई की, इसको भी हम लोग मुहैया करवाए, पैनी नगर नज़र रखे हुए हैं। कल रात से ही हम लोग अलर्ट मोड पे हैं, चारों ओर हम लोगों ने हाई अलर्ट लगाया हुआ है, सोनारी, कदमा और उधर बागबेड़ा एरिया में भी लगाया हुआ है। ऑल्दो उधर अभी कुछ इस तरह का इंसिडेंट नहीं, पानी नहीं घुस रहा है, थोड़ा सा कल्याण नगर में घुसा है, कदमा एरिया में थोड़ी कई जगहों पे घुसा है। बारीडी में कल रात में खबर मिली थी कि कुछ जगहों पे पानी थोड़ा बहुत घुसा है। पूरी तरह से हम लोग सचेत हैं, सेफ हाउसेस बने हुए हैं, इन लोगों को सभी लोगों को नंबर्स भी दिए गए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कोई भी अगर समस्या आती है तो हम लोग सचेत हैं और तैयार हैं। बाकी यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए थाना को लगा दिया गया है क्योंकि घाट पे अभी बहुत सारे लोग नहा रहे थे, तो इस समय घाट पे ना उतरे लोगों को यही हम लोगों की तरफ से वार्निंग रहेगी कि पानी से जितना दूर रह सकते हैं रहे, क्योंकि लगातार डैम बीच बीच में खोला जा रहा है तो पानी कभी भी अचानक से बढ़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN24।